हेल्दी खाने की रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो सब्जी बनाने वाले हैं वो है प्रोटीन से भरी हुई। इसको रात भर के लिए हमने भिगा कर रख दिया। आज हम बनाने वाले हैं देसी चने और रौसे को मिक्स करके एक आलू के साथ, इसमें थोड़ा सा सोडा और नमक डालकर इसको बॉईल करने रख देते हैं। अभी हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए हम टमाटर को चॉप कर लेते हैं, लहसुन को थोड़ा सा घिस लेते हैं और अदरक को भी घिस लेते हैं। उसके बाद हमें रखना है सारे मसालों को भिगा कर, और कसूरी मेथी जरूर डाल लीजिएगा। बाकी सारे मसाले सब्जी मसाले वाले ही हैं। और मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ जीरा अदरक लहसुन पेस्ट। उसके बाद मैंने बेसन को यूज़ किया है क्योंकि मैंने प्याज नहीं डाला है, तो ये ग्रेवी को थिक कर देता है। और यहाँ पे मैं अपने सारे मसाले डालकर उनको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर और मसाले जब ऑयल को छोड़ देते हैं तो हम उसमें डाल देते हैं अपने चने और रौसे को, और उसके बाद डाल देते हैं उसमें एक आलू को चॉप करके, या फिर आप चाहें तो उसे मैश करके भी डाल सकते हैं। मैं इसको पराठे के साथ एंजॉय करने वाली हूँ, और मुझे ये ड्राई पसंद है। अगर आपको ड्राई पसंद है तो इसे ऐसे ही निकाल लीजिएगा, थोड़ी देर ढककर जरूर रखना है आपको ये सब रेडी होने के बाद। और अगर आपके घर में किसी को ये गीला पसंद है, मतलब ग्रेवी वाला पसंद है, तो आप थोड़ा सा निकालने के बाद उसमें थोड़ा गर्म पानी डालिएगा और एक उबाल आने तक उसको ढक दीजिएगा और आपका सब्जी रेडी। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़, लाइक शेयर एंड कॉमेंट प्लीज़। थैंक यू।